नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक में। आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम लेके आया हूं धनतेरस पे। ये दिवाली आपकी शुभ हो जाए, आप हो जाएं माला माल। तो आखिर धनतेरस पे पांच अचूक उपाय बता रहा हूं धन लाभ के, जिससे होंगे आप माला माल। पहले तो ये समझे कि ये पवित्र धनतेरस का आखिर संयोग क्या है। इसमें बन रहा है महासंयोग, क्योंकि धनतेरस यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, और उस दिन मनाई जाएगी रात को हनुमान जयंती, और हनुमान जी का जन्म दिवस भी है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग है, और बहुत ही अच्छा समय है धनतेरस के दिन। आप जो है यमराज की दीपदान भी करते हैं, दरिद्रता तो खत्म करने के लिए, घर की सफाई इत्यादि करने के बाद दरिद्रता को बाहर भगाते हैं धनतेरस के दिन, और दरिद्रता को बाहर भगा करके लक्ष्मी का आवाहन करते हैं घर आने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत संयोग है इस बार, और इस बार जो धनतेरस में ये पांच उपाय करेगा वो होगा माला माल। चल लेते हैं पहला उपाय। दरअसल शुक्र ग्रह तुला राशि में उदय हो रहे हैं, और शुक्र ग्रह जो है वो धन दौलत का कारक ग्रह है। तो वह जो है स्वराशि का है शुक्र ग्रह, और बहुत ही संयोग अच्छा बना हुआ है, और बनने के बाद आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। तो ऐसे समय में शुक्र का रतन आप धारण कर सकते हैं, पहला उपाय यही है। क्या है कि अगर आप महंगा पहन सकते हैं, आपकी अगर क्षमता है, तो दिवाली से पहले आप हीरा रतन धारण करें, और अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप ओपल धारण करें, और वो भी क्षमता नहीं है तो चांदी में स्फटिक जो है उसका बना के अंगूठी अनामिका में धारण करें, क्रिस्टल क्रिस्टल की अंगूठी, और वो चांदी में शुक्रवार को धारण करें। देखिए माला माल हो जाएंगे। पहला उपाय यही है, क्योंकि इस बार की दिवाली बड़ी शुभ होकर आ रही है, और धनतेरस तो बहुत ही शुभ दिन है। तो क्या क्यों शुभ है? क्योंकि इसमें संयोग ऐसा बना। देखिए सोमवार को त्रयोदशी तिथि से मासिक शिवरात्रि भी है, और साथ में सोम प्रदोष पूजा भी है, और हनुमान जयंती भी है। अब जो हनुमान जी हैं वो रुद्रा अवतार कहते हैं, ग्यारहवें अवतार है शिव जी के। ग्यारहवें अवतार कौन है? ये भगवान जो है वो हनुमान जी है, और हनुमान जी जो है शिव जी के अवतार है, और सोमवार को हनुमान जयंती है। ये भी एक बहुत अच्छा संयोग। अब देखिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, और जो आपको धन कमाने में अड़ंगा लगाते हैं, आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, आपसे जलते हैं, अगर इसमें धन की बाधा आ रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करें, एक बेलपत्र की माला बना लें। बेलपत्र जो शिवजी पे चढ़ाया जाता है, हर बेलपत्र पे लाल सिंदूर लगा के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आधे पे आधे आधे पत्तों पे ओम श्री राम दूताय हनुमते राम दूताय हनुमते नमो राम दूताय हनुमते नमो टीका लगा करके, और वह जा करके हनुमान जी को शाम को पहना देना, और बस प्रसाद चढ़ा देना हनुमान जी को। ये दूसरा उपाय है। आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटर होंगे, अगर आपके व्यापार बिजनेस नौकरी में संकट आ रहा है, परेशानी आ रही है, वो सारे दूर हो जाएंगे और खूब सारा धन कमाना शुरू कर देंगे। बात तीसरे उपाय की करते हैं। आज हम बता रहे हैं कि धनतेरस में कैसे हो सकते हैं आप माला माल, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुभ संयोग बना है और इसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरा महा उपाय क्या है? तीसरा महा उपाय ये है कि देखिए धनतेरस सोमवार की है, तो आपको क्या करना है कि आप एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लेकर के, और वो जो है आपको उसको लेकर के तोड़ना है, आधा आधा हो जाएगा, उसमें घी डाल के रुई डाल करके दीपक जला करके शिव मंदिर में एक, और एक हनुमान मंदिर में रख के आइए, देखिए आप माला माल हो जाएंगे। चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय ये है कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी को लाल चीज़ें चढ़ाएंगे धनतेरस वाले दिन। क्या? लाल फूल, फूल की माला, उड़हल का फूल बोलते हैं, जवा कुसुम फूल बोलते हैं, जो माँ दुर्गा माँ काली को चढ़ाया जाता है, उसकी एक माला बना करके लक्ष्मी जी को चढ़ा करके लाल मिठाई का भोग लगाएंगे, और साथ में पेठा माँ को भोग लगाकर और कन्याओं में बांट देंगे। तो ये चौथा उपाय आपके लिए बड़ा कारगर होगा धनतेरस वाले दिन, तो आप करेंगे। पाँचवा उपाय क्या है? पाँचवा उपाय ये है कि आपको तंत्र मंत्र की सिद्धि अगर ना आती हो तो आप छोटा सा उपाय करेंगे, वो ये है कि आप एक लौंग की माला बनाइए काले धागे में, बना करके रात को ठीक 12 बजे धनतेरस के रात को ठीक 12 बजे क्या करना है आपको, माँ काली को समर्पित करके ओम माँ काली के नमः
बोल करके रात भर जाप कीजिए और हो सके तो माँ काली का हवन कर दीजिए, आपके अगले सारे काम इतने अच्छे होंगे और धन से आप मालामाल हो जाएंगे, काम आपके बन जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि ये पांच अचूक उपाय धनतेरस पे करने से आपको कितना बड़ा लाभ मिलेगा, इसका लाभ उठाएं और बहुत खुश रहें। लेकिन हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, एस्ट्रो तक खूब देखें, सारे एस्ट्रोलॉजर को सुने, उनके उपाय करें, वो आपके सवाल भी लेते हैं और आपके उत्तर भी देते हैं। तो एस्ट्रो तक को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुझे दें इजाज़त, नमस्कार, राम राम।